गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश प्रो क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश प्रो क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यू नो कि हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं और नरेशन की क्लास में आज नरेशन का 13वां क्लास है। ओके फ्रेंड्स, नरेशन का 13वां क्लास है। इसके पीछे हम लोग जो कुछ भी क्लास पढ़े हैं, आप जाके मेरे इंग्लिश प्रो के इस चैनल में प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ पढ़ा है। फ्रेंड्स, आप याद कीजिए कि कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट चला था। उसमें चला था नरेशन में स्पेशल रूल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब यदि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो आप उसको कैसे चेंज करते हैं, उसको मैंने आपको कल क्लास में पढ़ाया था। ओके फ्रेंड्स, आइए मैं उस क्लास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैं प्रैक्टिस के रूप में थोड़ा सा कुछ और अच्छा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि कल वाला जो क्लास चला था उसका कंसेप्ट आज पूर्ण रूप से क्या हो जाए, कम्प्लीटली क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपको याद है कि मैंने बताया था कि यदि अगर कोई सेंटेंस हो, अगर इस तरह से आता है कि ही सेड टू मी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड क्लास है प्रैक्टिस में, ठीक है ना। ही सेड टू मी हैव यू अ रेड पेन। ही सेड टू मी हैव यू अ रेड पेन। उसने मुझसे कहा कि क्या आपके पास एक रेड पेन है। मान के चलिए, सपोज डैट ये आपका क्वेश्चन अगर आपका परीक्षा में आता है तो आप इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, इसका रूल हम लोगों ने कल पढ़ा था। ओके फ्रेंड्स, यदि आप उस क्लास को ज्वाइन नहीं किए थे तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जाकर उसका लिंक्स मैंने इसी क्लास में उसका लिंक्स दे दिया है, आप जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। और आ जाइए आप इस क्लास को देखिए कि अगर यहाँ इज आर एम डू डज हैज हैव आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, तो आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज़ सीखा था कि ही के जगह पर हम लोग ही लिखेंगे और सेड टू के जगह पर टोल्ड नहीं लिखेंगे। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ एक ही रट्टा लगा कर बैठे रहते हैं कि जहाँ सेड आएगा वहाँ हम क्या लिख देंगे, टोल्ड लिख देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मैंने कल बताया था कि यहाँ आपको हमेशा ध्यान देना है कि यहाँ सेंटेंस इंट्रोगेटिव है कि अफर्मेटिव है, कि एक्सक्लामेटिव सेंटेंस है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है कि इंपरेटिव सेंटेंस है। आप अगर यहाँ ध्यान नहीं देंगे तो आप यहाँ बुरी तरह से फंस जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आपको जब भी नरेशन चेंज करने चलेंगे आप यहाँ ध्यान देंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ रहेगा तो सेड टू के जगह पर आप आस्क लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे, आस्क लिखेंगे। और यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया तो यहाँ आप मी लिख देंगे। कल के क्लास में हम लोगों ने सीखा है कि यहाँ डू रहेगा, डज रहेगा, हैव रहेगा, हैज रहेगा, सेल रहेगा, विल रहेगा। इट मीन्स डैट कि अगर डब्ल्यू एच वर्ड्स का मतलब हुआ व्हाट, व्हाई, है ना, व्हेन, है ना, हाउ, ये सब वर्ड्स यहाँ नहीं रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब वर्ड्स यहाँ नहीं रहेंगे तो आप इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, इफ का यूज करते हैं। जितना स्टेप मैं बता रहा हूँ उतना आप स्टेप सीखने की ज़रूरत है। यहाँ किसका प्रयोग करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्या लिखते हैं, यहाँ इफ लिखते हैं। अब आपको जो है यहाँ हैज हैव के बारे में नहीं सोचना है। अब आपको यहाँ इफ है तो डैट के बाद, इफ के बाद, सो के बाद, एंड के बाद हमेशा सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट, तब यहाँ आप धड़ल्ले से यू नहीं लिख सकते हैं। अगर आप लिखेंगे तो आपसे बड़ा फूल मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले आप पर्सन चेंज करेंगे तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट यहाँ मी है तो यहाँ मी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे मी। क्यों, क्योंकि बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी इफ आए, डैट आए, सो आए, एंड आए, हमेशा सब्जेक्ट यहाँ चाहिए, यहाँ भी हो चाहे सेंटेंस के कहीं अंदर भी हो, तो मी का सब्जेक्ट वाला फॉर्म यहाँ लिखेंगे तो आई हो जाएगा। ओके, अब चूंकि यू के साथ हैव लगा था तो आई के साथ भी हैव लगेगा, लेकिन हैव का पास्ट टेंस हैड हो जाएगा। आपको ध्यान देना होगा कि हैव का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हैड हो जाएगा। तो आप यहाँ हैड लिख देंगे, बाकी के जो नाउन है और एडजेक्टिव है वो चेंज नहीं होता है, तो आप ज्यों कहते हैं उस सेंटेंस को लिख देंगे फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छा तरीके से क्लास समझ में आ रहा होगा। आज आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, नरेशन का आज दूसरा क्लास है। यदि अगर डायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई भी आता है तो आप उसको कैसे चेंज करते हैं, आइए और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं आज की क्लास में। जैसे राधा, है ना, राधा सेड टू मी, राधा सेड टू मी, अगर
मान लीजिए कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया, जैसे डू यू स्पीक, एस पी ई ए के, या दूसरा एग्जांपल लेते हैं, डू यू टीच, डू यू टीच योर बी आर ओ टी एच ई आर, बहुत बढ़िया एग्जांपल है यह। राधा से टू मी, राधा मुझसे बोले कि डू यू टीच योर ब्रदर, क्या आप अपने भाई को पढ़ाते हैं, है ना। मान के चलिए कि आपका एग्जाम्पल है और आपको बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच में, इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है यहाँ राधा का हम लोग क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, राधा लिखेंगे। ओके, अब सिट टू की जगह पर आप बताइए क्या लिखेंगे, आस्क लिखेंगे, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, आस्क्ड, ए एस के ई डी, आस्क लिखेंगे। और यहाँ मी है तो मी लिख देंगे। इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे, तो इफ हो गया। अब मैं अभी आपको बताया हूँ, मैंने अभी आपको बताया कि अभी जब भी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो इफ के बाद इसके बारे में, डू डज हैज हैव के बारे में नहीं सोचना है, आपको सोचना है सब्जेक्ट के बारे में सोचना है। तो सब्जेक्ट यहाँ यू है तो यू देखिए, फिर यहाँ मी आ गया तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो आई है ना, अब आई है। अब आपको ध्यान क्या देना है कि वह कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होता है, सिंपल पास्ट में। ये सब हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुका है, ठीक है। फिर तो आपका यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव है, तो हम लोग उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करने चल रहे हैं। तो अफर्मेटिव में जब चेंज करने चलेंगे तो सिंपल पास्ट में करेंगे, तो डू प्लस टीच का इंट्रोगेटिव डू प्लस टीच का हो जाएगा टॉट, टी ए यू जी एस टी, टॉट। ओके फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोगों ने किस में चेंज किया, अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या लिखेंगे, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार। तो आपको ध्यान देना है अब यहाँ योर नहीं लिखेंगे, अब योर कहाँ से आया है, इसका थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट फॉर्म होता है यू, ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है यू, और एडजेक्टिव फॉर्म होता है योर। तो मी का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है मी, सब्जेक्ट फॉर्म होता है आई, यहाँ लिखेंगे माई, तो यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स माई, और उसके बाद लिखेंगे बी आर ओ टी एच ई आर, ब्रदर। तो बताइए फ्रेंड्स आपको कैसा लगा क्लास, एकदम आपको मैं समझ रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा कि यह आप कैसे चेंज करेंगे, राधा आस्क मी इफ आई टॉट माई ब्रदर, इस तरह से आप सेंटेंस बना देंगे मैं उम्मीद करूँ। अब देखिए मान लीजिए कि आप यहाँ आस्क लिखे, हमेशा आस्क नहीं लिखना है, यदि अगर इधर प्रेजेंट टेंस में आ गया, जैसे ऊपर वाले हम मिटा रहे हैं, यहाँ अगर प्रेजेंट टेंस आ जाता है ना, पास्ट में आया तो आपने क्या कर दिया, प्रेजेंट टेंस आ गया। कभी कभी आता है आपका परीक्षा में इनडायरेक्ट से डायरेक्ट पूछा जाएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछा जाएगा। मान लीजिए अगर इस तरह के सेंटेंस आ गया, जैसे ही सेड टू हिज, एफ आर आई ई एन डी, ही सेड टू हिज फ्रेंड, ही सेड टू हिज फ्रेंड, मान लीजिए सेंटेंस आ गया, सेड की जगह पर आप से लिख दीजिए, जैसे इस तरह का सेंटेंस आ गया, ही सेज टू हिज फ्रेंड। ओके फ्रेंड्स, डिड यू हेल्प, एच ई एल पी, है ना फ्रेंड्स, डिड यू हेल्प हिम, मान लीजिए यह सेंटेंस आ गया, ही सेज टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा, डिड यू हेल्प हिम, क्या तुमने उसे मदद किया, सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। ओके फ्रेंड्स, सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो सिंपल पास्ट का यदि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव होगा, यह ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान देना है कि टेंस चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ प्रेजेंट टेंस हो गया, जैसे ही और यहाँ सेज टू है तो लिखेंगे आस्क, ए एस के ई एस, ए एस के एस, ही आस्क। ओके फ्रेंड्स, ही आस्क। अब उसके बाद से जो है यहाँ हिज फ्रेंड लिखेंगे, हिज, एफ आर आई ई एन डी, हिज फ्रेंड हो गया। अब यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ लिखेंगे, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, तो हिज फ्रेंड है, हिज फ्रेंड का मतलब हो गया ही,
जैसे वह कौन है तो उसका दोस्त है, उसका दोस्त का मतलब ही, यहाँ ही लिखेंगे, ही होगा कि नहीं होगा। अब देखिए डिड यू हेल्प हिम, तो ही, और यहाँ क्या करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होता है, सिंपल पास्ट में, है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होता है, सिंपल पास्ट में, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो ही अब लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ आप टेंस चेंज नहीं करेंगे, क्या टेंस क्या चेंज नहीं करेंगे, टेंस चेंज। अब आपको ज्यों का त्यों लिख देना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यह सिंपल पास्ट में है, सॉरी हाँ सिंपल पास्ट में है, तो आपको सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में ही लिखना है। सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव है तो सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में ही लिखना है। जैसे ही हो गया, अब लिखेंगे सब्जेक्ट, अब तब लिखेंगे एच ई एल पी ई डी हेल्प, और यहाँ थर्ड पर्सन है, जैसे ही माता है ही आता है तो नो चेंज। अब आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव था तो सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव हो गया है, सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट, इसमें टेंस को नहीं चेंज किए क्योंकि इधर प्रेजेंट टेंस में। यही अगर सेंटेंस रहता पास्ट में, देखिए कैसे, यही अगर सेंटेंस रहता पास्ट में, जैसे सेम टू सेम सेंटेंस रहता इस तरह से, देखो दूसरा सेंटेंस आ गया, ही सेड टू हिज एफ आर आई ई एन डी, ही सेड टू हिज फ्रेंड, है ना, प्रेजेंट के जगह पर हमने क्या दे दिया फ्रेंड्स, पास्ट दे दिया, हिज फ्रेंड, और यहाँ कॉमा लिखेंगे और लिखेंगे डी डी यू एच ई एल पी हेल्प हिम, डिड यू हेल्प हिम, पास्ट हो गया। तब इसको कैसे चेंज करेंगे, ध्यान देना है, सबसे पहले ही लिखेंगे और जो सेड टू के जगह पर यहाँ आस्क लिखे थे, अब यहाँ क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, आस्क लिखेंगे, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, आस्क, और उसके बाद से लिखेंगे हिज एफ आर आई ई एन डी, हिज फ्रेंड लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो इफ का प्रयोग करेंगे, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो फिर यहाँ ही लिखेंगे, और सिंपल। अब देखिए यहाँ पास्ट हो गया ना, तो जब भी पास्ट आएगा तो पर्सन भी चेंज होगा और टेंस भी चेंज होगा, लेकिन जब यहाँ प्रेजेंट टेंस आएगा तो सिर्फ पर्सन चेंज होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। तो चूंकि अफर्मेटिव में लिखना जरूरी था, है ना, अकॉर्डिंग टू ग्रामर, है ना फ्रेंड्स, ग्रामर रूल्स, मैंने ग्रामर रूल्स के अनुसार यहाँ सिंपल पास्ट को अफर्मेटिव में सिंपल पास्ट में ही लिखना था। तो भाई यहाँ आते हैं, इफ हो गया, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हिज फ्रेंड आ जाएगा तो ही हो जाएगा, हर फ्रेंड आएगा तो सी हो जाएगा, माई फ्रेंड आएगा तो आपको ध्यान देना है मेल और फीमेल को ध्यान देना है। अब सिंपल पास्ट का अगर इंट्रोगेटिव है तो सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, तो हैड का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे, और यहाँ एच ई एल पी ई डी हेल्प लिखेंगे, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, हेल्प, और हिम को क्या करेंगे, हिम को हिम ही रहने देंगे क्योंकि थर्ड पर्सन है। जब भी यहाँ आई आएगा, यू आएगा, मतलब सेकेंड पर्सन आएगा, फर्स्ट पर्सन आएगा, तब चेंज करेंगे, नहीं आएगा तो उसको चेंज नहीं करेंगे। तो जब भी यहाँ डू डज आ जाएगा, है ना, इज आर एम आ जाएगा, तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे पता चल गया। अब देखिए हम सेंटेंस नंबर थर्ड लिखने चल रहे हैं, डब्ल्यू एच वर्ड्स का सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जैसे यू सेड टू अस, आपने हम लोगों से कहा, है ना फ्रेंड्स, और डब्ल्यू एच ई आर ई, वेयर डू यू टीच, वेयर डू यू टीच, माई बी आर ओ टी एच ई आर, है ना, वेयर डू यू टीच माई ब्रदर, इस तरह का सेंटेंस आ गया। जैसे यू सेड टू अस, आपने हम लोगों से कहा, वेयर डू यू टीच माई ब्रदर, आप लोग जो है मेरे भाई को कहाँ पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यू, और सेड टू के जगह पर लिखना पड़ेगा आस्क्ड, और यहाँ लिखेंगे अस, यहाँ लिखेंगे इफ। अब इसको ध्यान नहीं देना, इस पर ध्यान नहीं देना, अब आपको इस पर ध्यान देना है। जब भी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो आपको डायरेक्ट इफ लिखने के बाद सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, उसके बाद आपको किसी स्टेप पर ध्यान देना है। तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो अस का ऑब्जेक्ट फॉर्म यहाँ अस है, तो सब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा ये। अब देखिए सो सॉरी। अब देखिए आपको ध्यान देना है, यहाँ डू डज से शुरू नहीं हुआ है, व्हाट वेयर व्हाई से शुरू हुआ है, तो यहाँ वेयर का वेयर लिखेंगे, डब्ल्यू एच ई आर ई, वेयर हो गया फ्रेंड्स, वेयर हो गया, ओके फ्रेंड्स, वेयर हो गया। अब आइए हम बात करते हैं, अब आपको सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ वी लिखेंगे,
और सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट है टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो वेयर वी टीच का क्या हो जाएगा टॉट, टी ए यू जी एस टी, वेयर वी टॉट क्या फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो माई कहाँ से आया, आई मी माई, तो यू यू योर, तो यहाँ लिखेंगे योर, और तब लिखेंगे बी आर ओ टी एच ई आर। बताइए फ्रेंड्स, आपको कहीं दिक्कत है तो बताइए फिर। मैं उम्मीद करूँ कि आपको बहुत अच्छा से ये बात समझ में आ रहा होगा। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चेंज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, माने डायरेक्ट स्पीच में अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, डू डज वाला सेंटेंस आता है, व्हाट वेयर वाला सेंटेंस आता है, तो आप उसको कैसे चेंज करते हैं उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। अभी जो भी आपको दिक्कत है यहाँ कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, बढ़िया समझ लीजिए। सबसे पहले यू लिख दीजिए, सेट टू की जगह पर आस लिख दीजिए, अस लिख दीजिए, यहाँ व्हाट वेयर व्हाई रहेगा तो व्हाट वेयर व्हाई ही रहेगा। उसके बाद आपको पर्सन के बारे में सोचना है, तो पर्सन यहाँ सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार है, तो ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव है तो सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव है। तो चूंकि डू टीच का इंट्रोगेटिव अगर आपसे कोई पूछता है, डू टीच का आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट तो कहिएगा टॉट हो जाएगा। अब यहाँ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ माई कहाँ कितने नंबर पर आता है, आई सब्जेक्ट फॉर्म है, मी ऑब्जेक्ट फॉर्म है, माई इसका पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो यू का पोजेसिव एडजेक्टिव योर हो जाएगा, नाउन का नाउन लिख देंगे, तो इस तरह से आपका चेंज हो जाएगा। आइए एक और एग्जांपल आपको बता देते हैं व्हाट वेयर व्हाई वाले सेंटेंस पे, ठीक है ना। यदि आपको दिक्कत है तो फिर आप फिर कमेंट करिए, हमसे पूछिए, है ना। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस क्लास को लाइक करना ना भूले फ्रेंड्स, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। आज क्लास में हमने शाम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्लास दिया है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर बाय महात्मा गांधी का नोट्स मैंने दिया है, ठीक है ना फ्रेंड्स, उस क्लास को भी जाकर आप देखिए। अब आइए क्लास में हम एक और एग्जांपल आपको बता देते हैं, जैसे आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे माई ब्रदर, बी आर ओ टी एच ई आर, माई ब्रदर सेड टू मी, माई ब्रदर सेड टू मी, है ना। अब यहाँ लिख सकते हैं वाई, कोई भी लिख सकते हैं वाई हैव यू, वाई हैव यू बीन, वाई हैव यू बीन एस टीचिंग, टी ई ए सी एच आई एन, टीचिंग देम, वाई हैव यू बीन टीचिंग देम इंग्लिश, क्या फ्रेंड्स इंग्लिश एस आई एन सिंस सिक्स ओ क्लॉक लिखे सी एल ओ सी के। जैसे माई ब्रदर सेड टू मी वाई हैव यू बीन टीचिंग देम इंग्लिश सिंस सिक्स ओ क्लॉक, मेरा भाई ने मुझसे कहा कि आप क्यों उन लोगों को सुबह छः बजे से, मतलब सुबह नहीं लिखा है, छः बजे से आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, है ना। तो आप ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होता है चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, पहले लिखते हैं माय ब्रदर, तो लिखेंगे माय बी आर ओ टी एच ई आर, माय ब्रदर आस्क्ड, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, माय ब्रदर आस्क्ड, माय ब्रदर आस्क्ड में लिखेंगे। अब वाई है तो वाई लिखेंगे, अब यहाँ सेकेंड पर्सन है, अभी मैंने बोला ना कि हैज हैव डू डज को ध्यान नहीं रखना है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो यहाँ आई वाला फॉर्म लिखेंगे। अब चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो हैव का पास्ट टेंस होता है हैड, और बीन यहाँ ऑलरेडी है बीन, आई हैड बीन टीचिंग, बीन के बाद से वर्ब थ्री वर्ब फोर चाहिए, तो टी एच आई एन जी, आई हैव बीन टीचिंग, और चूंकि ही सी इट देम जैसे रहेगा वैसे ही चेंज हो जाएगा। जब भी किसी सेंटेंस में ही देखिएगा, हिम देखिएगा, हीज देखिएगा, हर देखिएगा, देम देखिएगा, सेम के सेम वही से ही चीज़ उतार दीजिएगा, इंग्लिश हो गया ई एन जी एल आई एस एच, इंग्लिश इंग्लिश हो जाएगा सिंस एस आई एन सिंस सिक्स ओ क्लॉक सी एल ओ सी के। तो इस तरह से फ्रेंड्स बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। चलिए यार दूसरा एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, इस तरह से आप समझ लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ, जैसे वी सेड टू यू, हम लोगों ने आपसे कहा, अब कोई भी टेंस ले सकते हैं, जैसे हम लोगों ने आपसे कहा हाउ डज,
डज छोड़िए, थर्ड पर्सन आ जाएगा, मैं पर्सन चेंज वाला बता रहा हूँ। जैसे हाउ डू यू, है ना, हाउ डू यू टीच, या हाउ डू यू हेल्प, हाउ डू यू हेल्प मी, हाउ डू यू हेल्प मी। जैसे वी सेड टू यू, हम लोगों ने आपसे कहा, हम लोगों ने आपसे कहा हाउ डू यू हेल्प अस, लिख सकते हैं हाउ डू यू हेल्प अस, आप हम लोगों को कैसे मदद करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप हम लोगों को कैसे मदद करते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, सेड टू की जगह पर क्या लिखेंगे, आस्क लिखेंगे, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, ए एस के ई डी, आस्क लिखेंगे, और यू का यू लिखेंगे, हाउ का हाउ लिखेंगे फ्रेंड्स, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ यू लिखेंगे, है ना। यू कैसे हो गया, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म भी होता है यू और सब्जेक्ट फॉर्म भी होता है यू। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर इंट्रोगेटिव है डब्ल्यू एच वर्ड्स, तो सिंपल पास्ट में कर देंगे, तो हाउ यू हेल्प, एच ई एल पी ई डी, हेल्प। और सेकेंड यहाँ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ भी वी है, यहाँ भी वी है, तो यहाँ हम अस लिख देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट तो लिखेंगे नहीं, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। अब मैं समझता हूँ अगर आपको यहाँ दिक्कत हो, तो मैं समझता हूँ कि आपको कोई नहीं समझा सकता है, सीधे सीधी बात, क्योंकि कल भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट चला, आज भी क्लास चला। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे मात्र मैं एक उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ एक बार थम्सअप कर दीजिए मेरे वीडियो पर, मेरे क्लास में, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़, तो आप इस क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर रोज़ हर मॉर्निंग में, इवनिंग में आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए। तब तक के लिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, जय हिंद जय भारत।